अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अजरुद्दीन और आप देख रहे हैं AAR क्रिएटिव यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाकया और उनकी कौम के लोग। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन भी दबा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी करना ना भूलें। चलिए आज का ये वाकया शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में बार बार आता है। सूरह आराफ, सूरह हूद और सूरह हश्र में इसकी तफसील मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादें मुद्दतों तक दुनिया में बसीं और आहिस्ता आहिस्ता खुदा को भूल गईं। शैतान ने फिर उनको बहला फुसला कर बुतों की पूजा पर लगा दिया। खुदावंद ताला जो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है, फिर उसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर उन लोगों के पास भेजा और उन्होंने अपनी कौम से जो आद कहलाती थी कहा कि तुम खुदा की ही इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। मैं तुमसे इस बाज व नसीहत के बदले कोई मजदूरी या उजरत नहीं मांगता, मुझे इसका बदला तो वह देगा जिसने मुझे पैदा किया है। और ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो और इससे तौबा करो। वह तुम्हारे लिए मेह बरसाएगा जिससे तुम्हारे खेत और बागात अच्छे होंगे और तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ा देगा। वह बोले कि ऐ हूद, हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों को पूजना नहीं छोड़ सकते, तुम कोई निशानी दिखाओ। हम तो ये समझते हैं कि हमारे बुतों में से किसी ने तुम पर आसेब या जादू कर दिया है और तुम दीवाने हो गए हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम सब मिलकर मेरे लिए जो तदबीर करना चाहो कर लो और मुझे मोहलत भी ना दो। मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। मेरे हाथ अल्लाह ताला ने तुम्हें जो पैगाम भेजा था वह मैंने तुम्हें पहुँचा दिया। अगर तुम मेरा कहना ना मानोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा और तुम खुदावंद ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर उनकी कौम ने कहा, रोज तू हमें खुदा के अजाब से डराता है, जा अपने खुदा से कह कि हम पर अजाब नाजिल कर दे और इसमें हरगिज देर ना करे। पर जो ईमान लाए थे वह गरीब और कमज़ोर थे और जो काफिर थे वह मालदार और सरदार थे। उन सब ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। फिर आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ जिसे देखकर ये समझे कि बारिश होने वाली है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि यह आज़ाब है, चुनाचे वे ईमानदार लोगों को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले जाएं। उस बादल के बाद आंधी आई जो 8 दिन और 7 रात तक मुतवातिर चलती रही, यहाँ तक कि सब काफिर मर गए और नेस्त और नाबूद हो गए। सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले ही बच गए और इस तरह एक बार फिर अल्लाह ताला की ज़मीन काफिरों और मुशरिकों से खाली हो गई। सुभान अल्लाह, कैसे करूँ शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं और तू देने की हर अदा जानता है। नोट लिखने में हमसे कोई खता हो गई हो तो ज़रूर बदलील हमारी इसलाह करें, जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बराए मेहरबानी हमारे इस पोस्ट को शेयर भी ज़रूर कर दें। हमारे साथ बने रहिए, शुक्रिया।